जो कमेंटेटर इसको चुनावी घोषणा कहते थे, आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में, पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। आज न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 2400 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं, और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी, और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं, मेरा देश आगे बढ़े। हम न चुनावों का फायदे नुकसान सामने रख करके काम करते हैं, न चुनाव के लाभ पाने के लिए छोटे छोटे इरादों से काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो सपना सिर्फ और सिर्फ मां भारती है, हिंदुस्तान है, 130 करोड़ नागरिक है। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास की उड़ान और विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। मैं इस उपलब्धि के लिए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, सभी उत्तर पूर्व के राज्य के भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग तरह के दौर का गवाह रहा है। दशकों तक ये क्षेत्र उपेक्षा और उदासीनता का शिकार रहा। जब दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों को सिर्फ इतने भर से मतलब था कि किसी तरह यहां चुनाव जीत जाए, आप जानते हैं ये स्थिति कई दशकों तक बनी रही। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया गया। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये
कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक पूर्वोत्तर अब देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो, देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है। इसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। यहां कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जो आजादी के 75 वर्ष बाद अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इस वजह से अब नॉर्थ ईस्ट आने जाने वाली उड़ानों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, ईटानगर का ये डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के अतीत और संस्कृति का भी गवाह बन रहा है। और मुझे बताया गया, प्रेमा जी बता रहे थे कि डोनी यानी सूर्य और पोलो चंद्रमा को कहते हैं। और मैं अरुणाचल की डोनी पोलो संस्कृति से भी, उसमें भी विकास के लिए एक सबक देखता हूं। प्रकाश एक ही है पर सूरज की रोशनी और चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता, दोनों ही को अपनी अपनी एक अहमियत है, अपने अपना एक सामर्थ्य है। ठीक इसी प्रकार जब हम विकास की बात करते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो या गरीब तक पहुंचने वाली जन कल्याण की योजनाएं, दोनों ही विकास के जरूरी आयाम है। आज जितनी अहमियत एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उतनी ही अहमियत गरीब की सेवा को, उसके सपनों को भी दी जाती है। आज अगर एयरपोर्ट बनता है तो उसका लाभ सामान्य मानवी को कैसे मिले, इसके लिए उड़ान योजना पर भी काम होता है। फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या कैसे बढ़े, कैसे उसका लाभ छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, टैक्सी ड्राइवर्स को मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में आज दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर बॉर्डर एरियाज में सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए और खर्च करने के लिए जा रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। अरुणाचल के कोने कोने में
प्रकृति ने इतनी खूबसूरती दी है, हर गांव में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, होम स्टे और लोकल उत्पादों के जरिए हर परिवार की आय बढ़ सकती है। उसके लिए जरूरी है कि गांव गांव तक पहुंचने की व्यवस्था भी हो। इसलिए आज अरुणाचल के 85% से ज्यादा गांवों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा चुकी है। साथियों, एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अरुणाचल में कार्गो सुविधाओं की बड़ी संभावना बन रही है। इससे यहाँ के किसान अपनी पैदावार अरुणाचल के बाहर बड़े बाजारों में आसानी से बेच सकेंगे। उन्हें आज की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसा मिलेंगे। अरुणाचल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बड़ा लाभ मिल रहा है। साथियों, पूर्वोत्तर को लेकर हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, उसका एक उदाहरण बांस की खेती से है। बैम्बू यहां के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आज बैम्बू प्रोडक्ट्स पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से, उस समय से बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में एक रुकावट बन गया था। इसलिए हमने उस कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू एडिशन करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बाम्बू भी उगा सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब जैसे ही जीवन की बुनियादी चिंताओं से आजाद होता है तो अपने साथ साथ देश के विकास भी नए आयाम गढ़ने लगता है। इसलिए आज गरीब से गरीब व्यक्ति उपेक्षा और बदहाली से बाहर आए, उसे गरिमापूर्ण जीवन मिले, ये देश की प्राथमिकता है। पहले कहा जाता था कि पहाड़ों पर शिक्षा और इलाज हमेशा एक संकट रहता है, लेकिन जब अच्छी स्वस्थ सुविधाओं के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जा रहा है, विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करके एकलव्य मॉडल स्कूल खोल रही है ताकि कोई भी आदिवासी बच्चा पढ़ाई में पीछे न रह जाए। जो युवा किन्हीं कारणों से हिंसा के रास्ते पर चले गए हैं, उन्हें एक अलग नीति के जरिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो रहा है। उनके लिए अलग से फंड बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया को ताकत से जुड़ने के लिए अरुणाचल स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए अरुणाचल प्रदेश भी कदम से कदम मिला रहा है। यानी विकास की जो हमारी धारा है ऊपर से शुरू होती है, जो वो आज गांव, गरीब, युवाओं, महिलाओं तक पहुंचाने उनकी ताकत बन रही है। साथियों, देश ने 2014 के बाद हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान का बहुत बड़ा लाभ अरुणाचल प्रदेश के गांवों को भी हुआ है। यहां ऐसे अनेक गांव थे जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना बनाकर हर घर को बिजली कनेक्शन की जोड़ने का एक अभियान चलाया था। यहां अरुणाचल में भी हजारों घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया और जब यहां के घरों में बिजली पहुंची तो घरों में केवल उजाला ही नहीं फैला बल्कि यहां के लोगों के जीवन में भी उजाला आया है। भाई और बहनों, अरुणाचल प्रदेश में विकास की जो यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है,
इसे हम गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सीमा से सटे गांवों का वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का दर्जा देकर उन्हें सशक्त बनाया जाए। जब सीमा पर सटे गांव, हर गांव में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, वहीं से समृद्धि की शुरुआत होगी। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत सरहदी गांवों में पलायन को रोकना और वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। प्रयास ये है कि बॉर्डर किनारे पर बसे गांवों, वहां के युवाओं को एनसीसी में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। एनसीसी से जुड़ने वाले इन गांवों के बच्चों को सेना के अफसरों की ट्रेनिंग मिलेगी। इससे युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता तो तैयार होगा ही, साथ ही उनमें देश के प्रति सेवा का एक जज्बा भी और ज्यादा पैदा होगा और ज्यादा बढ़ेगा। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए डबल इंजन की सरकार अरुणाचल के विकास के लिए, लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी कामना है विकास का ये अरुण इसी तरह यहां अपने प्रकाश को बिखारता रहे। मैं एक बार फिर प्रेमा जी, उनकी पूरी सरकार को, इन सारे भारत सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे पूरे पूर्वोत्तर के हमारे साथियों को भी, हमारी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।